हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ईई इंजीनियर्स। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्स के बारे में कि व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर क्या है एंड व्हाई वी यूज रजिस्टर्स इन आवर सर्किट, और हम अपने सर्किट्स में रजिस्टर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। जैसे आप टीवी सर्किट कहें, एम्पलीफायर सर्किट कहें, एलईडी सर्किट, चार्जर, तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्टर्स अलग अलग वैरायटी में उपलब्ध होते हैं। तो रजिस्टर जो होते हैं वे हमें किसी भी सर्किट में रजिस्टेंस ऑफर करते हैं, रजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर होते हैं उनके सिंबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम सर्किट्स में रजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमारा रजिस्टर का सिंबल है, और कुछ सर्किट्स में हम रजिस्टर को इस तरीके से भी दर्शाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमारे रजिस्टर्स के सिंबल हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं कि हमें रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है सर्किट्स में। अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग तरीके का करंट प्रोवाइड करा जाता है, या कहीं अलग तरीके की वोल्टेज प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ सर्किट्स होते हैं जो 10 वोल्ट सप्लाई पे चलते हैं, कुछ 20 वोल्ट पे, कुछ 240 वोल्ट पे। तो जो इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं वे कंपोनेंट उस हैवी करंट को नहीं झेल पाते। तो उससे बचाने के लिए हम अपने सर्किट्स को सेव करने के लिए रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रजिस्टेंस करंट के बहाव को कम कर देते हैं। तो अलग अलग रेंज का रजिस्टर हम उसी तरीके से निर्धारित करते हैं कि हमें किस रेंज का रजिस्टर कहाँ पे सेट करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। तो कंडक्टर में जब हम 10 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं, तो यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो होगा वो यहाँ पे 10 एम्पियर ही मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम इस ही कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है, इसके बीच में अगर हम यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं, ये हमने रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे आर, ये ए पॉइंट इसका, ये बी पॉइंट। अब जैसे ही हम इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पे इस रजिस्टर की जो भी कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू के कारण यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू कम मिलेगी, जो कि हमारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। रजिस्टर इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, हम इससे ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसको कि रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। तो देखिए, जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर में किसी भी तरीके का, वैसे कंडक्टर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हर जितने भी डिवाइसेस कहें या कंपोनेंट कहें या मटेरियल कहें, हर मटेरियल का अपना एक अलग रेजिस्टेंस है। तो हम जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसमें जो L है ये इसकी लेंथ को डिनोट करता है, और जो ये इसका A है, A डिनोट करता है एरिया को, R इसका रेजिस्टेंस है, और ये इसकी रेजिस्टिविटी। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो रजिस्टर में मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का, ये रजिस्टर में यहाँ पे हम एक वायर लगाते हैं और दूसरी वायर यहाँ पे, कुछ इस तरीके से रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पे बीच में रजिस्टर में ये तार कनेक्टेड नहीं होते, तो यही जो मटेरियल है यहाँ पे कार्बन का मटेरियल भरा जाता है कुछ इस तरीके से। ये कार्बन का मटेरियल
ही हमारे रेजिस्टेंस को डिनोट करता है कि हमें किस वैल्यू में रेजिस्टेंस चाहिए। ये कार्बन का मटेरियल ही हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है कि सर्किट में हमें जितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए हम उतने ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाते हैं। देखिए गाइस, मेरे पास ये एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर में अगर हम बात करें तो ये देखिए दोनों साइड वायर होती है और बीच में यहाँ पे कलर लगाए जाते हैं, कलर कोडिंग। ये कलर ही हमारे रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं कि इस रजिस्टर में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से ही जो हमारा ये रजिस्टर है इसके दोनों तरफ ये वायर होती है और बीच का जो पार्ट होता है इसके अंदर कार्बन भरा जाता है। ये कार्बन उस तरीके से भरा जाता है कि जो हमें रेजिस्टेंस चाहिए उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से निकाल सकें। तो ये हमारा रजिस्टर होता है। अब हम बात करें तो जो हमारा रजिस्टर होता है वो एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स जो होते हैं वो ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको हम ओम में नापते हैं, OHMs, ओम्स। रेजिस्टेंस को हम ओम्स में नापते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को किसी भी सर्किट में अपोज करता है, मतलब उसका विरोध करता है। तो अब अगर हम बात करें रेजिस्टर्स के बारे में तो रेजिस्टर्स आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। रजिस्टर्स वे डिवाइसेज या कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी सर्किट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट को अपोज करते हैं या उसका विरोध करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, कह सकते हैं कि रजिस्टर्स वे कंपोनेंट हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर एक प्रकार के करंट कंट्रोल, जो करंट को कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट हैं। तो ये हमारा रजिस्टर्स का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।